बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम दिस और दैट का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। दिस और दैट को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। डियर लर्नर्स, दिस जब कोई चीज अपने करीब होती है, डियर लर्नर्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, जब कोई चीज अपने करीब होती है, आसपास होती है, तब उसके लिए धिस यानी ये का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चीज अपने करीब होती है, अपने आसपास होती है, इर्द गिर्द होती है, तब उसके लिए धिस यानी ये इस्तेमाल धिस का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब कोई चीज हमारे करीब होती है, आसपास होती है, इर्द गिर्द होती है, तो हमें धिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। धिस यानी ये, दैट यानी वो। जब कोई चीज अपने से दूर फासले पर होती है, उसके लिए दैट यानी वो का इस्तेमाल किया जाता है। डियर लर्नर्स, देखिए, दिस इज अ बुक ये किताब है। ये नजदीक है किताब, अगर कोई हमारे पास तो हम उसे कहेंगे दिस इज अ बुक। दूर है तो दैट इज अ बुक, वो किताब है। फासले पर है तो दैट इज अ बुक, वो किताब है। दिस इज एन इंग्लिश बुक, ये अंग्रेजी की किताब है, इंग्लिश की किताब है। That is an English book, वो अंग्रेजी की किताब है, इंग्लिश की किताब है। This is my book, ये मेरी किताब है। That is my book, वो मेरी किताब है। This is a bunch of keys, ये चाबियों का गुच्छा है। This is a bunch of keys, वो चाबियों का गुच्छा है। That is a bunch of keys. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, This is a bunch of grapes, ये अंगूरों का गुच्छा है। That is a bunch of grapes, वो अंगूरों का गुच्छा है। ये अंगूरों का गुच्छा है। नजदीक है तो ये दिस और दूर है तो दैट। This is an Indian farmer, ये हिंदुस्तानी किसान है। That is an Indian farmer, वो हिंदुस्तानी किसान है। This is a series of events, ये वारदात का सिलसिला है, ये इवेंट्स की सीरीज है। That is a series of events, वो वारदात का सिलसिला है, वो इवेंट्स की सीरीज है। This is her mobile, ये उसका मोबाइल है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता। This is her mobile, ये उसका मोबाइल है। That is her mobile, वो उसका मोबाइल है। This is your room, ये आपका रूम है। That is your room, वो आपका रूम है। This is a good painter, ये अच्छा पेंटर है। That is a good painter, वो अच्छा पेंटर है। डियर लर्नर्स, इस तरह जो है तो हम दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिसन वंस अगेन, This is a book, that is a book. This is an English book, that is an English book. This is my book, that is my book. This is a bunch of keys, that is a bunch of keys. This is a bunch of grapes, that is a bunch of grapes. This is an Indian farmer, that is an Indian farmer. This is a series of events, that is a series of events. This is her mobile, that is her mobile. This is your room, that is your room. This is a good painter, that is a good painter. डियर लर्नर्स, आप इस तरह मश्क कर सकते हैं। देखिए, This is a book, that is a book. This is an English book. आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, that is
दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज अ मराठी बुक, दैट इज अ हिंदी बुक, दिस इज माय बुक, दैट इज आप बना सकते हैं योर बुक, दैट इज योर बुक, दैट इज देयर बुक, दैट इज हर बुक, दिस इज अ बंच ऑफ कीज आप बोल सकते हैं, दैट इज अ बंच ऑफ कीज की जगह दूसरे अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, और दिस इज एन इंडियन फार्मर आप बोल सकते हैं, दैट इज एन अमेरिकन फार्मर, या इस तरह आप जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जुमले दिस और दैट का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लर्नर्स, आज हम दीज और दोज का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। दीज यानी ये जमा के लिए और दोज यानी वो जमा के लिए। जब एक से जायद चीजें हमारे करीब होती हैं, इर्द गिर्द होती हैं, आसपास होती हैं, तो हम उसके लिए उनके लिए दीज का इस्तेमाल करते हैं। जब एक से जायद चीजें हमसे दूर होती हैं, फासले पर होती हैं, तो हम उसके लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरीके से दिस की जमा दीज है और दैट की जमा दोज। देखिए, दीज आर माय बुक्स, दीज आर माय बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर माय बुक्स, वो आपकी किताब, वो दोज आर माय बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दोज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स आर योअर्स, ये आपकी किताबें हैं, ये किताबें आपकी हैं। दोज बुक्स आर योअर्स, वो किताबें आपकी हैं। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। दोज बुक्स आर आवर्स, वो किताबें हमारी हैं। दीज आर हिज पेंसिल, दीज आर हिज पेंसिल, ये उसकी पेंसिलें हैं। दोज आर हिज पेंसिल्स, वो उसकी किताबें, वो उसकी पेंसिलें हैं। दो दीज आर माय टीचर्स, दीज आर माय टीचर्स, ये मेरे टीचर्स हैं। दोज आर माय टीचर्स, वो मेरे टीचर्स हैं, वो मेरे असातिज़ा हैं। दीज गर्ल्स वन द मैच, इन लड़कियों ने मुकाबला जीता। दोज गर्ल्स वन द मैच, उन लड़कियों ने। डियर लर्नर्स, देखिए यहाँ पर जो है तो उन लड़कियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर इन लड़कियों का। दोज गर्ल्स वन द मैच, उन लड़कियों ने मुकाबला जीता। वेयर आर दीज गर्ल्स गोइंग, ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं। वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग, वो लड़कियां कहाँ जा रही हैं। वाई डू दीज डॉग्स ऑलवेज बार्क, ये कुत्ते हमेशा क्यों भौंकते हैं। Why do those dogs always bark? वो कुत्ते हमेशा क्यों भौंकते हैं, वो कुत्ते। Why did these people come here? ये लोग यहाँ क्यों आए, ये लोग यहाँ क्यों आए। Why did those people come there? वो लोग वहाँ क्यों आए। Dear learners, इस तरह जो है तो आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह, ये जो इस तरह है, दीज आर माई बुक्स आप बना सकते हैं, दोज आर योर बुक्स, इस तरह आप जो है तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दीज और दोज का इस्तेमाल करते हुए। डियर लर्नर्स, बस मैं समझता हूँ दीज और दोज का इस्तेमाल हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।